ये गाड़ी महिंद्रा ब्लाजो 31 टिपर है। इसके अंदर इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जनरल नॉलेज क्या है थोड़ा उसका वीडियो बना रहे हैं कि कितने सेंसर आते हैं, क्या काम करते हैं, इंजन मैनेजमेंट किस तरह इस गाड़ी के अंदर हो रहा है। BS4 है ये, हाई प्रेशर पंप वाली। इसका इंजन मैनेजमेंट का सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, आइए देखते हैं। ये टिपर में 12 टायरा आती है और 31 टन का पासिंग है इसका। इसका केबिन उठा के हम इसका जितना भी सेंसर इसके अंदर है इंजन को मैनेज करने के लिए वो उसके बारे में बताएंगे। इस गाड़ी का केबिन उठाने के लिए ये लॉक जो दिया है उसको आगे की तरफ गाड़ी के केबिन की तरफ इस तरफ आगे की तरफ करना है और पंपिंग करेंगे तो ये केबिन उठेगा। करो ये केबिन उठ रहा है इसका। ये पीछे का सस्पेंशन का सिस्टम है जिसपे केबिन हिलते रहता है और ये हिलने की वजह से ये मूवेबल है तो इसमें तोड़फोड़ कम आती है और केबिन फटने का भी चांस बहुत कम होता है। कहीं कहीं से केबिन क्रेक हो जाता है, फट जाता है, फिर बार बार वेल्डिंग करवाना पड़ता है, वो मेंटेनेंस इसमें नहीं, बहुत कम आता है, एकदम ना के बराबर। और दूसरा जर्क, जो ड्राइवर को जर्क झटका लगता है गाड़ी खड्डे में या बम्पर कूदने पे, वो बहुत कम हो जाता है। हाँ उठाओ उठाओ, ये केबिन कभी भी उठाए हैं तो वो स्टैंड को पूरी तरह से, इसको पूरी तरह से सीधा हो जाने दें। ये ऐसा सीधा हो जाएगा और ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा, वहाँ तक उठाना चाहिए क्योंकि केबिन हाइड्रोलिक सिस्टम है, कभी भी पाइप या कुछ भी खराब हो सकता है। तो इसको लॉक करके कभी भी कुछ भी काम करना हो या सफाई करनी हो या गाड़ी के अंदर कोई चीज़ चेक करना हो या मेंटेनेंस का कोई भी काम करना हो तो इसको लॉक करके ही गाड़ी के अंदर घुसना चाहिए, नहीं तो। चलो ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे लॉक हो गया। अब कोई बात नहीं, बस करो बस करो। देख कभी किसी ने लॉक बेंड कर दिया, ये अभी लॉक हो चुका है और फिर भी सावधानी रखना चाहिए। ये इस गाड़ी का एक क्रैंकशाफ्ट सेंसर है जो बेल हाउसिंग के ऊपर, मतलब क्लच हाउसिंग के ऊपर लगा हुआ है और ये इंजन का RPM, मतलब इंजन घूम रहा है या कितना स्पीड में घूम रहा है वो ECM को बताता है। ये इस गाड़ी का कैमशाफ्ट का सेंसर जो है वो उसका वायरिंग हार्नेस ये रहा और वो पंप के पीछे की तरफ है, ये वो दिखाई दे रहा है, ये वायर लगा हुआ है, वो ये वायर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैमशाफ्ट का जो सेंसर है ये पंप के पीछे, हाई प्रेशर पंप के पीछे की तरफ लगा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, ये है। और ये ECM को एक नंबर पिस्टन का टॉप का कंडीशन बताने का काम करता है, मतलब क्रैंकशाफ्ट का सेंसर और कैमशाफ्ट का सेंसर ये जो है इंजन का टाइमिंग का काम करता है, वो ECM को जानकारी देता है, वो हिसाब से ECM उसको प्रोसेस करके इंजन को चलाने में मदद लेता है। आगे की तरफ ये जो सेंसर लगा हुआ है ये रेल प्रेशर सेंसर है, ये रेल के जनरल में प्रेजेंट में कितना फ्यूल का प्रेशर है, कितने बार का प्रेशर है वो, या KPA में है जिसमें भी है, वो ECM को बताने का काम करता है। ये पंप के पीछे की तरफ जो लगा हुआ है, ये हाई प्रेशर पंप के पीछे ये जो सेंसर, ये एक्चुएटर है, ये सेंसर नहीं है एक्चुएटर है, ये कॉमन रेल को कितने बार का प्रेशर मेंटेन रखना है वो, ये उसको मेंटेन रखने का काम करता है। और ये थोड़ा सा खुला रहता है, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब भी थोड़ा खुला रहेगा, बंद करने इससे क्या है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंदर डीजल उतना ही जाता है कि गाड़ी स्टार्ट हो सके, उतने परसेंट ये हमेशा खुला रहता है। ये इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर ये जो सेंसर दिखाई दे रहा है ये बूस्ट प्रेशर सेंसर है, ये इनटेक मैनिफोल्ड पे हवा का कितना प्रेशर है और उसका कितना टेम्परेचर है वो ECM को बताने का काम करता है। ये
एपेक कवर इंजन का जो टॉप कवर है, 1 2 3 4 5 6, इसके बगल में 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 इंजेक्टर को यहाँ से पावर सप्लाई जाने का काम होता है। इंजेक्टर इसके अंदर है, उसको कितना कितना वोल्टेज का करंट देना है ताकि वो उतनी मात्रा में फ्यूल स्प्रे कर सके। और ये एक्चुएटर है, ये सेंसर नहीं है, एक्चुएटर है। और ये ECM से जो करंट जितनी मात्रा में मिलेगा उतनी मात्रा में ये पिस्टन या कंबंसन चेंबर के ऊपर फ्यूल सप्लाई स्प्रे करने का काम करता है। ये वाटर जैकेट के ऊपर, ये वाटर जैकेट है, ये सभी हेड के अंदर पानी जाने का काम यहाँ से होता है। ये वाटर जैकेट के ऊपर ये जो सेंसर लगा हुआ है, ये वाटर का टेम्परेचर ECM को बताने का काम करता है। ये टेम्परेचर का सेंसर है। इस गाड़ी के अंदर इंजन का मैनेजमेंट जो है, कैमशाफ्ट सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, फ्यूल रेल प्रेशर का सेंसर और बूस्ट, ये वाला बूस्ट एयर टेम्परेचर का सेंसर, और वाटर जैकेट पे जो लगा है वो टेम्परेचर का सेंसर, ये सारी जानकारी लेके ECM इंजन को मैनेज करता है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसमें फ्यूल का मिश्रण कितना करना है वो काउंटिंग करने के लिए, और ये बूस्ट प्रेशर सेंसर से वो हवा की जानकारी लेता है, और टेम्परेचर सेंसर से वो पानी कितना गर्म है उसकी जानकारी ले, इंजन के अंदर पानी का टेम्परेचर कितना है उसकी जानकारी लेता है, और इससे कितनी हवा आ रही है और उसके उसका टेम्परेचर क्या है, और ये रेल प्रेशर से कॉमन रेल के जनरल में कितना प्रेशर है और उस डीजल का टेम्परेचर कितना है, ये सब जानकारी ECM लेने के बाद इंजन को स्टार्ट करता है। ये प्रक्रिया बताने में लंबी है, लेकिन ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से में जब गाड़ी को क्रैंकिंग करेंगे तो वो करंट के थ्रू उससे वो जानकारी लेके गाड़ी को इग्निशन ऑन करेंगे और स्टार्ट हो जाएगी, और वो बहुत स्पीड में होता है, हम सोच भी नहीं सकते। इंजन मैनेजमेंट का काम इस गाड़ी के अंदर इस तरह से होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।